मेरा नाम अबूजर है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर। ये जो मशीन चला रहे हैं, जंगल साफ कर रहे हैं, तो जो कितर वगैरह है इसका टोका कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दो। इसका टोका करते हैं जी, इसका टोका करके फिर भट्टों पे पहुँचाते हैं। इनके ईंट पकाने के काम आता है ये। तो क्या रेट बिक जाता है ये? ये लगभग लगभग बिक जाता है 250 रुपये के आसपास। तो कितने आदमी आपके साथ काम करते हैं? मेरे साथ जी 7 आदमी काम करते हैं। तो ये जंगल जो आप जंगल काटते हैं, इसको मूल लेते हैं कि ऐसे ही? जी मोल भी लेते हैं, फिर भी उठा लेते हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं ये? लगभग लगभग जी 5 साल से काम कर रहे हैं जी। तो ये जो मशीन है ये कितने की आ जाती है? ये आती है जी 5 लाख रुपए की। तो कितने दिन में एक ट्राली तैयार हो जाती है? 2 दिन में ट्राली तैयार होती है जी। कितने की बिक जाती है? ये बिक जाती है लगभग लगभग 25,000 रुपए की। तो नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी नौजवानों से ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा ही काम करें, बेरोजगारी ज़्यादा है जी, इसलिए मेहनत मजदूरी कहीं आए नहीं जो कर। आप इतनी दूर से सहारनपुर से आए हैं तो पंजाब में आपको काम मिल जाता है? हाँ जी काम मिल जाता है। तो कितने साल हो गए आपको पंजाब में? पंजाब में जी कम से कम 4 साल हो गए जी पंजाब में ही जी। तो एक साल का कितना पैसा कमा लेते हैं? जी बस यही अपनी मेहनत मजदूरी चलती है जी। मेरा नाम अबूजर है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर। ये जो मशीन चला रहे हैं, जंगल साफ कर रहे हैं, तो जो कितर वगैरह है इसका टोका कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दो। इसका टोका करते हैं जी, इसका टोका करके फिर भट्टों पे पहुँचाते हैं। इनके ईंट पकाने के काम आता है ये। तो क्या रेट बिक जाता है ये? ये लगभग लगभग बिक जाता है 250 रुपये के आसपास। तो कितने आदमी आपके साथ काम करते हैं? मेरे साथ जी 7 आदमी काम करते हैं। तो ये जंगल जो आप जंगल काटते हैं, इसको मूल लेते हैं कि ऐसे ही? जी मोल भी लेते हैं, फिर भी उठा लेते हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं ये? ये लगभग लगभग जी 5 साल से काम कर रहे हैं जी। तो ये जो मशीन है ये कितने की आ जाती है? ये आती है जी 5 लाख रुपए की। तो कितने दिन में एक ट्राली तैयार हो जाती है? 2 दिन में ट्राली तैयार होती है जी। कितने की बिक जाती है? ये बिक जाती है लगभग लगभग 25,000 रुपए की। तो नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी नौजवानों से ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा ही काम करें, बेरोजगारी ज़्यादा है जी, इसलिए मेहनत मजदूरी कहीं आए नहीं जो कर। आप इतनी दूर से सहारनपुर से आए हैं तो पंजाब में आपको काम मिल जाता है? हाँ जी काम मिल जाता है। तो कितने साल हो गए आपको पंजाब में? पंजाब में जी कम से कम 4 साल हो गए जी पंजाब में ही जी। तो एक साल का कितना पैसा कमा लेते हैं? जी बस यही अपनी मेहनत मजदूरी चलती है जी। मेरा नाम अबूजर है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर। ये जो मशीन चला रहे हैं, जंगल साफ कर रहे हैं, तो जो कितर वगैरह है इसका टोका कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दो। इसका टोका करते हैं जी, इसका टोका करके फिर भट्टों पे पहुँचाते हैं। इनके ईंट पकाने के काम आता है ये। तो क्या रेट बिक जाता है ये? ये लगभग लगभग बिक जाता है 250 रुपये के आसपास। तो कितने आदमी आपके साथ काम करते हैं? मेरे साथ जी 7 आदमी काम करते हैं। तो ये जंगल जो आप जंगल काटते हैं, इसको मूल लेते हैं कि ऐसे ही? जी मोल भी लेते हैं, फिर भी उठा लेते हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं ये? ये लगभग लगभग जी 5 साल से काम कर रहे हैं जी। तो ये जो मशीन है ये कितने की आ जाती है? ये आती है जी 5 लाख रुपए की। तो कितने दिन में एक ट्राली तैयार हो जाती है? 2 दिन में ट्राली तैयार होती है जी। कितने की बिक जाती है? ये बिक जाती है लगभग लगभग 25,000 रुपए की। तो नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी नौजवानों से ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा ही काम करें, बेरोजगारी ज़्यादा है जी, इसलिए मेहनत मजदूरी कहीं आए नहीं जो कर। आप इतनी दूर से सहारनपुर से आए हैं तो पंजाब में आपको काम मिल जाता है? हाँ जी काम मिल जाता है। तो कितने साल हो गए आपको पंजाब में? पंजाब में जी कम से कम 4 साल हो गए जी पंजाब में ही जी। तो एक साल का कितना पैसा कमा लेते हैं जी? बस यही अपनी मेहनत मजदूरी चलती है जी।